ये बताओ कि फरिया कैसी है? तुम्हारी वैसी दीवानी सी। मोहब्बत में दीवानी है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मेरा तजुर्बा है भाई, और तजुर्बा वक्त के साथ ही आता है। तुम्हें पता है, उसकी आंखों में ना मैंने तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। कैसी मोहब्बत? बिल्कुल वैसी मोहब्बत जो सच्चे लोग दिल से करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे कि अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी पुरानी मोहब्बत दोबारा लौट आए तो फिर आप क्या करेंगी? ऐसी मोहब्बतें कहीं नहीं जाती हैं, बड़ी ढीठ होती हैं, वापस आई जाती हैं। ऐसी मोहब्बत दिल में कहीं छुप के बैठी होती है। तुम्हें और अगर ये मोहब्बत शादी के बाद दोबारा मिल जाए तो? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। लगता है फरिया का वार बिल्कुल सही बैठा है। अरसलान, कभी कभी तो दिल चाहता है हम दोबारा से मलेशिया चले जाएं, अपना इनकम्प्लीट हनीमून दोबारा से मुकम्मल करें। आपका दिल नहीं चाहता? तो इम्पॉसिबल है सामिया, आप क्योंकि कम से कम 6 महीने से पहले तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। पता है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, एकदम से ख्याल आ गया था। वैसे हम जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे कौन से बच्चे हैं। I'm sorry सामिया, मेरा वो मतलब नहीं था। अब आप भी मुझे ताने देंगे, मेरे में जो कमी है उसका बार बार एहसास दिलाएंगे अपनी बातों से। यही सब करना है तो आप ऐसा करें, दूसरी शादी करें। सामिया, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मुंह से कुछ ऐसे नहीं निकल जाता, दिलो दिमाग में होता है तभी मुंह से निकलता है। और कब तक आप ऐसे मुझे झूठी तसल्लियां देंगे? सब चीजों को छोड़ के अपनी गलती तस्लीम करना सीखे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या औलाद की ख्वाहिश रखना गलत बात है? गलत कर रहा हूं मैं? अगर मैं आपको औलाद ना दे सकी तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? बिछड़े ना यार।